बुलंदशहर में स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत कन्या विद्यालय, महाविद्यालय और कई स्कूलों में इससे संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर के राकेश कुमार एवं मोइन खान व सीओ सौरभ इंजीनियर अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व में नगर के गौरी शंकर कन्या महाविद्यालय में स्वच्छता ही सेवा विषय पर जागरूकता गोष्ठी एवं नगर में रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें महाविद्यालय के सभी छात्राओं एवं अध्यापक अध्यापिकाओं ने भाग लिया। इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का शुभारंभ शहर मिशन प्रबंधक श्री राकेश कुमार एवं महाविद्यालय प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर अंशु वंशल व डूडा सीओ सौरभ सिंह इंजीनियर अंशुल अग्रवाल सुनील कुमार द्वारा किया गया। गौतम नगर कॉलोनी में वहाँ पर हमने सफाई अभियान चलवाया था, वहाँ रैली कराई गई थी जी। और गुलाबटी में भी हम लोगों ने कई प्रोग्राम करे हैं जी। और यहाँ पर बुलंदशहर में लगातार मेरा कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं। आज भी एक स्वच्छता को लेकर एक पोस्टर पेंटिंग हम लोग करा रहे हैं इसी गौरीशंकर महाविद्यालय में। इससे पहले एक गोष्ठी भी और कराई थी हमने 27 को जी। बस लोगों का, हम लोगों का एक उद्देश्य यह है कि इस कार्यक्रम को हम लोग जन आंदोलन के रूप में जोड़ें। सर, आप कब से करा रहे हो प्रोग्राम को? 15 सितंबर से लेकर अब तक कितने प्रोग्राम लगा? अब तक लगभग मेरे 9 प्रोग्राम यहाँ पर चल चुके हैं। अच्छा, आज ये गौरी शंकर कन्या महाविद्यालय में जो प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम आपका? ये स्वच्छता के तहत एक जागरूकता गोष्ठी है, पोस्टर प्रतियोगिता है और एक रैली, एक रैली का। अच्छा, इसके तहत मैंने कल सेंट मोमिना स्कूल है जहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बेसिकली हाथ धोने के लिए हम लोग किस तरह हाथ धोएं, कैसे करें, क्योंकि जब तक हम इस कार्यक्रम में जन आंदोलन नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग इस कार्यक्रम में सफल नहीं। मैम, आप क्या कहना चाहोगे इस प्रोग्राम? ये महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पखवाड़ा शुरू किया है, स्वच्छता ही सेवा है। हाँ। इसी के मद्देनजर आज हमारे महाविद्यालय में एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो नगरीय विकास ये डूडा के सौजन्य से यहाँ पे कराया जा रहा है जी। इसी के साथ ही एक रैली का आयोजन अभी किया गया था और छात्राओं को स्वच्छता से संबंधित एक सेमिनार दिया गया और उनको बताया गया कि अपने घर के आसपास और अपने महाविद्यालय को या सभी जगह साफ सफाई रखें, जिससे कि हम अच्छे वातावरण में रह सकें। अब से पहले भी आपने अपने छात्राओं को बताया था इस अभियान के बारे में? हम इससे पहले भी बच्चों को बताते रहे हैं और हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रक्रिया चलती है और राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बच्चे आसपास के वातावरण में मलिन बस्तियों में। बुलंदशहर से कैमरामैन काजल लोधी के साथ वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।